आपकी मन्नत पूरी हो जाती ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सो ये नॉर्मल कमोड होता है, ये इटली में फ्रांस दोनों जगह ऐसे होता है, और इसको बोलते हैं बिडे। तो आप अपना नॉर्मल जो बिजनेस होता है, प्राइमरी बिजनेस, यहाँ पे करते हो, यानी ख़त्म होने के बाद आप अपना बिजनेस यहाँ पे शिफ्ट करते हो आपके सेकेंडरी बिजनेस, लाइक टू वॉश योर एस ऑफ। इसमें एक चैलेंज है, सेम कमोड जैसे नहीं बैठ सकते, इधर उल्टा बैठना पड़ेगा आपको, फेसिंग टूवर्ड्स द वॉल, एंड आप वॉश कर सकते हो। जनता माफ नहीं करेगी। यस, दिस इज वन कल्चरल शॉक दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। बताइए मुझे, ये आपको कैसे लगा? इज दिस शॉकिंग और यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस? वी ऑलवेज हैड दिस इन योर एयरबीएनबी इन फ्रांस, बट अपेरेंटली दे नो हाउ टू यूज इट, सो नाउ आई नो। So here we put in boiling water, and then on top of it there's a small filter where we put in the coffee powder, and this is where the coffee brews once you put it on the stove. This is pretty much same like what we have back in India, South Indian filter coffee, almost similar. Let's see how it tastes. So it's day 2 in Milan. So आज सुबह हमने उठ के अंडा भुजी बनाया और ब्रेड के साथ खाया, और यहाँ का अपेरेंटली कॉफ़ी भी ट्राई किया, जिनका यहाँ पे डेडिकेटेड कॉफ़ी मेकर है, जस्ट लाइक वॉट वी हैव फिल्टर कॉफ़ी, द फिल्टर दैट वी गेट यहाँ पे इनका है। तो वो थोड़ा समझने में टाइम लगा, बट देन वी यूज्ड इट। वो सब होने के बाद अभी हम पूरा रूम समेट रहे हैं, और जिस तरीके से रूम हमें दिया गया था इनिशियली यस्टरडे, तो वी आर ट्राइंग टू मैच इट एज क्लोज एज पॉसिबल कि हम वापस भी उनको उतना ही क्लीन दें, जैसे बेड हो गया यहाँ पे, या बाथरूम में कुछ अगर छीट या पानी के छींटे पड़े हैं तो सारा क्लीन करके, बर्तन जो भी हमने यूज़ करे हैं वो भी क्लीन करके वापस रहे। बिकॉज गाइज, यू नो, वी इंडियंस हैव अ रेपुटेशन इन यूरोपियन कंट्रीज़ कि हम जैसे सामान दिया जाता है, लेंड किया जाता है हमें, हम वापस वैसे नहीं देते, तो या तो ख़राब करके देते हैं या फिर थोड़ा बहुत ऐसे यूज्ड ऐसे करके देते हैं। तो लेट्स नॉट लिव अप टू दैट बैड एक्सपेक्टेशन इज़ व्हाट आई सजेस्ट। तो दिस इज़ आर एफर्ट्स, आई सजेस्ट यू ऑल्सो ट्राई इट। ओके, सो यहाँ पे अभी हम निकलने वाले हैं मेट्रो से, जो हमें पड़ेगा शायद 2.5 और 2 यूरोस, 2 यूरो 20 सेंट्स। तो हम मिलान सेंट्रल जाके वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर रखा है, तो हम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेट मी नो इफ देर इज़ एनी अदर सिटी दैट यू वॉन्ट अस टू एक्सप्लोर अपार्ट फ्रॉम मिलान, इफ यू हैव एनी सजेशन इन इटली। दिस इज अर्ली मॉर्निंग, सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे हमें खरीदना पड़ेगा एक टिकट टू गो टू मिलान सेंट्रल। This is some stranger. I don't know who he is. Hey, who are you? Why are you following me? हाँ ठीक है, एंड डेस्टिनेशन वही है ना? बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। So हम कॉलोनिया प्लेस से, मेट्रो स्टेशन से हम लोग लोरेटो जाएंगे, एंड वहाँ से एक और बस लेंगे या मेट्रो? मेट्रो लेंगे, एंड वहाँ से जाएंगे मिलानो सेंट्रल। सो दैट्स द रूट गाइस। यहाँ पे मेट्रो लाइन स्विच करना है, तो ये आप पट्टा देख रहे हो ग्रीन, ग्रीन से आपको रेड जाना पड़ेगा, तो ऊपर आप देख रहे हो डायरेक्शंस होंगे, तो ये आप फॉलो करिए जब मेट्रो लाइन स्विच कर रहे हो। तो अभी हम आ गए रेड वाले मेट्रो लाइन पे। Now let's understand Duomo di Milano.
Can you believe this masterpiece took over 600 years to build? That's dedication. With 135 spears, it's like a fairy tale castle come to life. They say there's a nail from Jesus' cross inside. How cool is that? Over 3,400 statues decorate this place. It's like a human sculpture garden. कोई तो दिला दो ये. They're so pretty. जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? कि बुल्स के टेस्टिकल्स पे पैर रख के तीन बार घूमने से आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, ये देखिए करते हुए इंसान को। कैसा है? हमारे बेंगलोर में अच्छा मिल रहा है। फूड कैसा है? इट्स एक्चुअली टेस्टी। हमें भूख तो नहीं लगा था, लेकिन हमें ट्राई करना था यहाँ का पिज्ज़ा जो बहुत ही अच्छा था। सच में गाइस मैं बता रही हूँ, जो भी हम डोमिनोज में इतने दिन खा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है यहाँ का। आप सिंपल मार्गरिटा पिज़्ज़ा भी खा लो। तो हमारा बिल हुआ यहाँ पे 28 यूरोस, जो 10 यूरो पड़ा मार्गरिटा पिज़्ज़ा एंड उसके ऊपर बुराता का जो मोज़रेला चीज़ है वो प्लस 5 एंड 5 यूरोस पड़ा हमारा सीटिंग का, क्योंकि हम वहाँ पे बैठे थे, और उसके अलावा तिरामिसू 18। तो ये रहा हमारा बिल, जो यहाँ के हिसाब से ठीक है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। कोई और रेस्टोरेंट भी देख लो तो इससे ज़्यादा ऊपर ही है, लेकिन हमने जो ट्राई आउट किया वो भी अच्छा वाला ही था।
सॉरी। Oh, by the way, can you spot Rahul here? That huge this building is. सारे पेपर्स को फाड़ फाड़ के एक पोर्ट्रेट बनाया है। इट्स अ नाइस आइडिया। मैं भी करूँगी अपने घर पे। मुझे पता भी नहीं था कि इतने सारे चेयर्स भी हो सकते हैं और लोग इसके ऊपर फेटिश भी हो सकते हैं। मेरे को तो एक आध ही पता है। लुक एट दिस, मे बी दैट और दैट एंड दिस, बट लुक एट दिस, कितने सारे डिजाइन्स हैं। ये सारे कितने लग्जरी रहते हैं, लगते हैं। आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है उनका नाम। वाओ, उनको भी नाम दिया है। नाइस। समटाइम्स यू सी पीपल पे सो मच अटेंशन इन दोज माइन्यूट डिटेल्स। इट शोज हाउ ह्यूमंस आर पैशनेट अबाउट थिंग्स। अच्छा लगता है, काश मैं भी ऐसे कुछ कर पाऊँ। हालांकि अभी के लिए मेरे को यूट्यूब बनाना अच्छा लगता है, यूट्यूब पे वीडियोस जो इंफॉर्मेशनल एंड हेल्पफुल हो। सो लेट्स सी वेयर इट टेक्स मी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? Okay, so everyone knows what building this is. It is Duomo Milano. And then there is the screen. So is this all part of this building? Well guys, no, there is some construction going on behind. But look at the way the brand, or I don't know, some marketeer or somebody has thought about it, that they're gonna cover the construction with the screen and then advertise something. Isn't this crazy? I mean, why can't we do that in India?
all the time there is some sort of constructions going on, so why can't we just cover them up with some beautiful screens just like this one? Wow! Beautiful! हमने पूरा दिन आज जुम्मू मिलानों के यहाँ स्पेंड करा और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखे जो मैं लिस्ट कर दूँगी। अब बज रहा है 11:30 रात का, तो अभी हमें यहाँ से निकलना है। व्हाट इज़ द प्लेस? लाम्पू बिनानों की तरफ। तो जुम्मू मिलानों का जो मेट्रो स्टेशन है उसके एकदम सामने ही है, तो वहाँ पर अभी आ चुके हैं। राहुल यहाँ पर ले रहा है टिकट्स। तो ये टिकट्स कितना पड़ा राहुल? 220 पर पर्सन। अगेन रेड लाइन वाला ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से हम 4 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से हम SNCF का बस पकड़ने वाले हैं। वेयर टू? वुड यू लाइक टू गेस अगेन? लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर्स लिख के बताइए कि आपने शायद सही पकड़ा है। लेट्स सी। सो ओके, तो इसके साथ मैं आज का व्लॉग बंद कर दी हूँ बिकॉज really tired. तो कल का ब्लॉग नए डेस्टिनेशन में स्टार्ट होगा। Until then, bye. मैंने सुना इंडिया में भी फ्लिक्स बस आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए, ये ड्राइवर यहाँ पे बैठता है और ये डबल डेकर है। सामने भी यहाँ पे सीट्स हैं जहाँ पे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। सो ये थोड़ा डिफरेंट है। पता नहीं ये ऐसा वाला ही इंडिया में आने वाला है कि वो सिर्फ नीचे का सिंगल जैसे VRL, बाकी के अपने बसेस होते हैं वैसे होने वाले हैं। पता नहीं, बट टू कैट दिस, मुझे तो सीट यहीं पे चाहिए अभी रात को, जो भी जहाँ पे भी जाने वाले हैं हम लोग। आई को सेट ठोक दीजिए, महाकाल का सेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे निकल